लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झुंझुनू के मुनि आश्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र कुमार को अधिक से अधिक मतदान करवाने का संकल्प लेते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर भी बल दिया गया। विधानसभा के संयोजक एडवोकेट सरजीत चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, बूथ अध्यक्ष और साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य, विधानसभा संयोजक सहित अनेक कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे। इन दिनों विधानसभा की मीटिंग हुई है सांसद का चुनाव के लेकर के, ये कार्यकर्ता सभी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। इधर से ये टिकट मुझे नहीं, जन भावना से इन लोगों के लिए दी गई। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और इस जीत होने के बाद में हम सभी नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं देश के विकास के लिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और ये जो जीत होगी वो मेरी निश्चित रूप से जनता की होगी। मैंने पंद्रह भी सेवक बन करके काम किया जनता के बीच में, अब भी झुंझुनू जिले का सेवक बनकर के इनके बीच में रहूंगा और काम करता रहूंगा। आज की जो ये अभी बैठक हुई है, ये जो हमारी झुंझुनू विधानसभा में हमारी पार्टी के जितने भी मंडलों में पदाधिकारी हैं, हमारे जो पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं नगर पालिका क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, हमने सभी से और लोकसभा चुनाव की जो आगे की तैयारी है उसको लेकर चर्चा की है। उसके लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।